द खालस टीवी इस वेले की वड्डी खबर है कि पंजाब सरकार ते डेयरी किसानां विच चाले अज सहमति बन गई है। सरकार ने डेयरी किसानां दीआं मंगां मान लईआं ने। सरकार ने किसानां दी 55 रुपए प्रति किलो फैट वाली मंग मान ली है। सहकारिता मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जानकारी देंदिआं दस्सिआ कि सरकार दे इस फैसले नाल आम लोकां दे कोई वजन नहीं पाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि आम लोगों लिए मिल्क फैड के रेट पहला वाग रहेंगे। उन्होंने दसिया कि डेयरी किसानों 2 रुपए प्रति लीटर वाधा किया गया, 35 रुपए प्रति किलो फैट का वाधा किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इतिहास में पहली बार मिल्क फैड की मदद की है। उन्होंने कहा कि मझ का दुध 2 रुपए प्रति लीटर से गां का दुध लगभग 1.5 रुपए के हिसाब के नाल होगा, पर इसका आम लोगों के भार नहीं पवेगा। पिछले दिन मोहाली च स्थित वेरका मिल्क प्लांट के सामने पंजाब के हजारों दुध उत्पादकों ने सूबा सरकार खिलाफ विशाल पद्धर से रोस प्रदर्शन किया। किसानों ने खरड़ चंडीगढ़ हाईवे नु जाम कर दिता सी। किसानों का कहना है कि वो मंगा ना मने जान तक दुध डोल देंगे, पर वेरका नहीं देंगे। किसानों ने कहा कि जे दुध उत्पादन खत्म होया तो फीड इंडस्ट्री का भी कोई भविष्य नहीं है। किसानों ने यह धरना प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की अगवाई हेठ दिता सी। पीडीएफ के प्रधान दलजीत सिंह सदरपुरा ने कहा कि खेतीबाड़ी तो बाद डेयरी फार्मिंग पंजाब के किसानों की रोजी रोटी का दूजा सब तो वड्डा साधन है। उन्होंने कहा कि सूबा अज व्यापारिक डेयरी फार्मिंग विच देश विच पहले स्थान पर है। पूरे देश विच पंजाब विच सब तो वध डेयरी फार्मर ने। ब्यूरो रिपोर्ट द खालस टीवी।